हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एसएससी सीजीएल का पेपर लेके आया हूँ। 19/6/2019 का लेटेस्ट पेपर है प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत लोग मुझसे कह रहे थे पेपर डालिए हर दिन एसएससी सीजीएल का भी। तो जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं उन्हें कि पेपर का डेट आ चुका है, एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है, फॉर्म फिलअप होने वाले हैं इसी महीने से। तो जो फॉर्म फिलअप करते हैं, जो एसएससी का तैयारी करते हैं या जो करने वाले हैं, वो तैयारी करना शुरू कर दें क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। मैं आपके सामने हर दिन एक पेपर लेके आता था डीएसएसबी का। आज से मैं एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल के लिए, और कोशिश करूँगा मैं हर दिन सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, ऐसे कुछ भी मैं एक पेपर लेके आऊँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आगे बढ़ाते चलूँगा। जो भी क्वेश्चन आपको करना है आप उसे पॉज कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। इसमें चार सेक्शन आते हैं, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ। जीएस आती है हिंदी, जीएस आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और मैथ्स आती है। 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, 200 क्वेश्चन रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग 0.5 होता है। सारे एक सेट सीक्वेंस में रहते हैं, रीजनिंग एक साथ रहती है, मैथ्स एक साथ रहती है, इंग्लिश एक साथ रहती है, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और मैं आपसे कहूँगा कि आप भी प्रैक्टिस करें। अगर आप डीएसएसपी का तैयारी करते हैं या कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, सबका पैटर्न सेम है, मैथ्स सेम है, इंग्लिश सेम है, रीजनिंग सेम है और जीएस सेम है। तो जिसमें हिंदी है वो हिंदी का अलग से तैयारी कर सकते हैं, जिनमें हिंदी नहीं है वो अपना इसे भी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल सबका सेम होता है और पेपर्स काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें भी आए हुए हैं। आपको पता होगा एसएससी जो बनाती है पेपर बहुत अच्छी तरीके से बनाती है। एक्चुअली में इसको बनाता जो है वो अलग डिपार्टमेंट बनाता है, लेकिन एसएससी कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन। तो हमेशा मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें, तो लेटेस्ट पेपर करें, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हैं। तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे अवेलेबल है पीडीएफ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2019 जो जून महीने में हुआ था उसका मैंने पेपर कंबाइंड करके नीचे 31 शिफ्ट का नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी पेपर जो हैं 31 से लेकर 30 तारीख तक के, मतलब एक महीने एग्जामिनेशन चले थे जून महीने में, उन सभी का पेपर मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अलग से सीएचएसएल का भी डाल दिया है, सीपीओ का भी डाल दिया है, 35 शिफ्ट का, 34 शिफ्ट का, जो पेपर जून जून में हुए थे, जुलाई में हुए थे, मार्च में हुए थे। तो पेपर आप ले सकते हैं, नीचे से डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है पीडीएफ में। अब बात करते हैं पेपर, किस पेपर के बारे में, क्यों पेपर का लेवल क्या है। तो मैंने देखा था कुछ क्वेश्चन जो हैं, देखिए जीएस में तो काफ़ी ईजी ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा और आप पढ़ते भी होंगे, तैयारी करते भी होंगे, तो आपको लग जाएगा पेपर जो है काफ़ी इजी है। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव आया हुआ था जैसा आपको पता होगा आपको, और मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है इसमें, लेकिन ये जो शिफ्ट है उसमें मैथ्स इजी है क्योंकि ये बाद में हुआ था। जैसा कि आपको पता होगा एसएससी सीजीएल जो हुआ था इसमें मॉर्निंग शिफ्ट, शुरुआत के जो शिफ्ट हुए थे वो बहुत टफ आए थे, लेकिन बाद में जाकर ईजी कर दिया था। तो इसमें जो पेपर आए हुए हैं ईजी पेपर आए हुए हैं, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं अगर आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं। तो सर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपका स्पीड बढ़ेगा, प्रैक्टिस से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और साथ में आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। इसलिए मैं हमेशा लेकर आऊँगा, आज से स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और कोशिश करूँगा कि आप लोग भी इसमें रोज़ देखें, चाहे आपका एग्जामिनेशन अभी है या बाद में है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो डीएसएसबी की तैयारी करते हैं उनको भी बता दूं कि नीचे मैंने पीडीएफ अवेलेबल करा दिया है। डीएसएसबी के सारे एग्जामिनेशन के पेपर्स आपको नीचे मिल जाएंगे, सारे एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के पेपर्स नीचे अवेलेबल हैं, प्रीवियस मंथ्स के पेपर अवेलेबल हैं, चाहे वो ग्रेड 2 हो, ग्रेड 4 हो, 2/17 हो, चाहे 8/19 हो, जो पेपर आप तैयारी करते हैं, एलडीसी हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, मेडिकल क्लर्क हो, जूनियर इंजीनियर हो, स्टेनोग्राफर हो, चाहे जो भी आप तैयारी करते हैं डीएसएसबी का, वो आपको नीचे मिल जाएगा प्रीवियस ईयर प्रीवियस मंथ के पेपर। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए बहुत लोग मुझसे कह रहे थे जो एनटीपीसी का फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए भी मैंने नीचे प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी के फॉर्म नीचे मैंने अवेलेबल करा दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं पूरा, आपको क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहाँ पर इंग्लिश का और सब सारा सेक्शन, आपने पॉज कर लीजिए इसे, आराम से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे हैं इसमें। जो भी अच्छा लगा हो, कोई दिक्कत होगा तो आप नीचे कॉमेंट में मुझे कहिएगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या आपको सजेस्ट देना है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले समय में सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब से और प्रैक्टिस सेट आपको हमेशा मिलते रहेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटे को बजाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।